तो ये है हमारा होम स्वीट होम, और आज हम जा रहे हैं मेमोरी लेन। यहाँ से हम देखते थे कि अगर नाना नानी या दादी की चप्पल यहाँ पे दिख जाए तो यानी समझ जाते थे आगे लिए 15-20 दिन बहुत अच्छे जाने वाले। इस जगह पे बहुत सारी मेमोरीज इसलिए भी है कि यहाँ पे बहुत सारा क्रिकेट खेले, बहुत सारे मार्बल्स खेले, और पता नहीं सिर्फ बॉलिंग करने की यादें है। वहाँ पे सामने भाई खड़ा रहता था, बैटिंग करता था। भाई यार बैटिंग नहीं दी क्या मुझे? एनीवे, तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो जितने भी दिख रहे हैं ये सारी पापा की जान है। और ये है झूला। इस झूले की याद ये है कि इस झूले पे बैठ के इतना बड़ा झूला लेना होता था कि सामने की दीवार तक पैर टिक पाया। क्यों करते थे भगवान जाने। देयर इज नो लॉजिक टू थिंग्स दैट किड्स डू। तो ये है आउटसाइड वाला एरिया। यहाँ से एंटर करते ही है हॉल। यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है वैसे, स्पेशली इस जगह की। यहाँ पे समर में मैं और मेरी मम्मी बैठ के होमवर्क किया करते थे। वो डिक्टेट करती थी और मैं लिखता था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बार पावर कट होती थी तो यहाँ पे हम बैठते थे। इस रूम से बहुत सारी दूसरी मेमोरीज भी अटैच्ड है, पेनफुल मेमोरीज, बट उनके बारे में ना बात करें तो ही बेटर है। देन हम आते हैं किचन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने काफी टाइम साथ में बिताया है, चाहे वो गणपति उत्सव हो, यहाँ पे हम गणपति बिठाते थे। यहाँ पे सारी मेमोरीज ऐसी टुगेदरनेस वाली है। जब भी हम सारे लोग साथ में आएंगे तो हम हमेशा यही कोशिश करते थे कि हम बैठे साथ में बात करें। और आई गेस मेरी मम्मी का सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर बीता है। ये छोटा सा देवघर है, मराठी में देवघर बोलते हैं। ये पापा ने बनवाया था मम्मी के लिए स्पेशली। इसे हम ले नहीं जा पाएंगे बट ये यहीं पे रहेगा। तो मैं बोल रहा था कि चाहे डाइनिंग टेबल है, बैठने की जगह है, बट जब सारे लोग साथ में आएंगे तो हम यहाँ पे नीचे बैठ के खाएंगे, ये बात तो पक्की है। तो यहाँ पर इस रूम में सबसे ज्यादा मेमोरीज हुई है। और एक और स्पेशल मेमोरी है, वो है इस डब्बे की। तो एक डिब्बा था जिसे हम पैसों का डिब्बा बोलते थे। इसमें हमेशा से ना पैसे मिलते थे, तो जब भी बाहर जाना रहा या फिर कुछ काम रहा तो 1-2 रुपए इसमें से उठा के मैं चले जाता था। और इस डब्बे को मैं लेके जा रहा हूँ पुणे, क्योंकि पॉकेट मनी नाम की चीज़ तो होती नहीं थी। तो वही पॉकेट मनी थी हमारी कि इसमें से 2 रुपए उठाओ, साइकिल वाले के पास जाओ और खुद हवा भरो। और जुगाड़ ये था कि अगर खुद हवा भरते तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा, तो वो 2 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी। ऐसे सॉर्ट ऑफ जुगाड़ किए हमने। देन वी कम टू द बेडरूम। फाइनली ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शूट हुआ है, यही आपने देखा होगा। इस बैकग्राउंड पे मेरे कई वीडियोस मैंने शूट किए। और बोलते हो बहुत अजीब लग रहा है, बट ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद में इस बैकग्राउंड पे कोई वीडियो शूट नहीं होगा। बट हाँ, इस रूम के अलग से कोई और वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूम बहुत बार कवर हो चुका है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब वीडियोस में। देन वी कम हियर। यहाँ से एक ऐसी चीज है, वो भैया भाभी है वैसे, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से वो चीज है जो यूजुअली पुणे मुंबई जैसे शहरों में नहीं मिलती देखने, टेरेस। मुझे भी नहीं मिलने वाली, बट या देन वी कम हियर। यहाँ पर मेरी सिंगिंग की शुरुआत हुई थी। ऑब्वियसली सारे लोग बाथरूम सिंगर्स ही होते पहले। ये हूँ मैं, सॉरी फॉर द मेस। और फिर आता है ये मेरा रूम, थोड़ा सा पसा रहा है बट प्लीज अवॉइड दैट। इस रूम में ना कोई बचपन की मेमोरीज दी है, ये बस मेरा लॉकडाउन रूम है। इस रूम में मैं कभी बचपन में नहीं आया, ये स्टोर रूम के तौर पे ही था सॉर्ट ऑफ, बट पिछला पूरा एक साल इसी रूम में बीता है। तो इस
एक्चुअली यहाँ पे वर्क टेबल था जो मेरा उस रूम में शिफ्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे बैठ के मैंने ऑफिस का काम किया है और यहाँ पे सिर्फ काम ही काम हुआ है। तो इस रूम को मेरे पापा ऑफिस रूम भी बोलते थे, और यहाँ पे काम करो, यहाँ पे सो जाओ, बस यही है छोटा सा टूर यहाँ से। तो ये यही था, बस इतना ही था हाउस टूर। हेलो, तो दैट्स इट आई गेस। इसके बाद ये सब देखने को उतना नहीं मिलेगा, बट ठीक है, जो भी है जैसे भी है यही है।